तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में कोई ट्रेवल ब्लॉग नहीं होने वाला है। अगर आपने आज की वीडियो को ट्रेवल ब्लॉग या किसी प्रकार के ब्लॉग देखने के लिए ओपन किया है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप कर सकते हो और मेरे दूसरे वीडियोस पर जा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेरे कैमरा इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, मेरे ब्लॉगिंग इक्विपमेंट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने वीडियो में कौन सी इक्विपमेंट यूज करते हो, कौन सा माइक यूज करते हो, कौन सा कैमरा यूज करते हो। तो भाई सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने जो मंगवाया था अपने ब्लॉगिंग सेटअप में वो है ये गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो इस ट्राइपॉड को मैंने बिना कुछ सोचे मंगवा लिया था, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे ब्लॉग्स देखता था और जो भी ब्लॉगर होते थे वो सारे गोरिल्ला ट्राइपॉड को ही यूज करते थे। तो मुझे ये नहीं पता था कि गोरिल्ला ट्राइपॉड भी दो तीन प्रकार के आते हैं, इसमें भी कुछ हाई क्वालिटी के आते हैं जो कि 4-5 हजार रुपए के समथिंग आते हैं। तो ये मैंने 400 या 500 रुपए के समथिंग मंगवाया था और मुझे लगता था यही शायद वो लोग यूज करते हैं। बेसिकली ट्राइपॉड दो टाइप के होते हैं, गोरिल्ला ट्राइपॉड और एक ऑक्टोपस ट्राइपॉड। अगर आप सस्ते में बाय करना चाहते हो तो आप गोरिल्ला ट्राइपॉड बिल्कुल भी बाय मत कीजिए, आप ऑक्टोपस ट्राइपॉड बाय कर लीजिए। मैंने अभी ऑर्डर किया है, ऑक्टोपस ट्राइपॉड मेरा आने वाला है, तो जैसे ही आ जाता है मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपको करके बता दूंगा। इसकी जो खराब बात होती है वो सारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। देन इसके बाद में जो यूज करता हूँ वो है बोया वाई M1 माइक, जो कि मैंने 1200-1250 रुपए के समथिंग मंगवाया था और आज से 2 साल पहले ही मंगवा लिया था, जब मैं वीडियो शूट नहीं करता था। एक आधी वीडियो कभी 2-4 महीने में शूट कर लिया करता था, उस टाइम पर मैंने ये मंगवा लिया था। अगर आप इसकी वॉइस सुनना चाहते हो तो अभी जो वीडियो में आपको वॉइस सुनाई दे रही है वो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है। और इसके बाद में जो मैंने मंगवाया था वो था ये माउंट। तो ये माउंट बेसिकली मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि जो ट्राइपॉड के साथ आता है वो सिंपल माउंट आता है, तो इसमें हम शॉटगन माइक को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी रिसेंटली मंगवाया है ये वाला माउंट, इसमें आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो, इस जगह पे आप मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप अपने शॉटगन माइक को कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके बाद में मैंने शॉटगन माइक को मंगवाया था जो कि कुछ इस टाइप का आता है, बोया वाई M1। तो इसको मैंने ओपन कर लिया था और पिछले 2-3 वीडियो में इसको भी यूज किया। अगर आपको इसकी वॉइस सुनना हो तो आप मेरे पुराने 3 से 4 वीडियोस देख सकते हो, उसमें इसी का यूज किया गया है। तो इसमें कुछ 2 केबल मिलती है हमको, एक ये स्पाइरल केबल मिलती है और इसका यूज आप DSLR में कर सकते हो। अगर आप DSLR से वीडियो शूट करते हो तो आप उसका यूज कर सकते हो। देन अगर आप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको ये वाला केबल यूज करना है। इसमें आपको दोनों साइड मिल जाएगा लिखा हुआ, एक साइड आपको स्मार्टफोन लिखा दिख जाएगा और एक साइड आपको माइक्रोफोन लिखा मिल जाएगा। अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप इस वाले केबल का यूज कर सकते हो। देन इसके बाद में एक बैग मिल जाता है इसके अंदर और ये वारंटी कार्ड मिल जाता है, 1 ईयर की वारंटी आपको प्रोवाइड करता है और एक ये मैनुअल मिल जाता है जिसको कोई पढ़ता नहीं है। देन इसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट आता है हमारा ये माइक। तो बोया का ये माइक हमको मिल जाता है इसके अंदर। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये समथिंग 1800 या 1900 रुपए के समथिंग हमें फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर मिल जाता है, बट इसको मैंने सेल में बाय किया था तो ये मुझे 950 रुपए का पड़ा था। तो आप भी देखिए, वेट कीजिए थोड़ा सा, अगर आपके नजदीकी कोई सेल आती हो तो उससे आप बाय करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो इसमें एक माउंट आता है जो कि मैं आपको बता देता हूं निकाल के, ये कुछ इस टाइप का माउंट आता है जो कि यहां पर कनेक्ट हो जाता है। तो इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूं पहले, कुछ इस टाइप से ये कनेक्ट हो जाता है और इसमें ये बोया का माइक फंस जाता है कुछ इस टाइप से। और यहां पर हम मोबाइल को फंसा सकते हैं अपने, और इसको हम अपने गोरिल्ला ट्राइपॉड में इस टाइप से कुछ अटैच कर सकते हैं। देन यहां पर हम मोबाइल को लगाकर कुछ इस टाइप से ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखने में कुछ प्रोफेशनल लगती है और इस टाइप का कुछ सेटअप मैं अपने ब्लॉगिंग में यूज करता हूं। बस यही सब है, वो बाकी सब आपको ये चीजें दिख रही होगी, जैसे कि ये गोप्रो दिख रहा होगा आपको और कुछ ये सारे माउंट और ये एक और माइक दिख रहा होगा। तो ये सारी चीजें मेरे लिए बेस्ट ऑफ मनी रही है, क्योंकि इनको मंगवा कर मैंने गलती कर दी। क्योंकि जब चीजों की हमें इम्पोर्टेंस पता नहीं होती और हम मंगवाते जाते हैं लोगों को देखकर, तो तब कुछ ऐसा ही होता है। तो ये सारे मेरे पैसे खराब हो गए इन सबको मंगवा कर। तो इनका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसमें मैंने काम की चीजें बता दी जो कि मैं अपने ब्लॉगिंग में यूज करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इन सब बेस्ट ऑफ मनी चीजों का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, आपके पैसे भी बच सकते हैं अगर आप एक ब्लॉगर हो, अगर आप एक ब्लॉगिंग सेटअप अपना तैयार करना चाहते हो तो। हाँ सॉरी, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि मेरा ये ओवरऑल सेटअप कितने में पड़ा ब्लॉगिंग का। तो 950 रुपए का ये वाला माइक था मेरा और 250 रुपए का ये वाला माउंट। तो 950 और 250 रुपए कितने हो गए भाई, 1200 रुपए ये हो गए और 400 रुपए का ये। तो 1200 और 400
1600 रुपए, मात्र 1600 रुपए में मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो गया था। और इसमें एक मोबाइल लगा के अपन सिंपली ब्लॉगिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ। मेरे ब्लॉग अपने अगर देखे हो तो वैसे ही आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। बस इतना ही कुछ था आज के वीडियो में। अगर आप इन सब चीजों का वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो।